नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बीते दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं महंगाई दिन प्रतिदिन अपने पांव पसार रही है तो कहीं पाक की जनता भूख से तड़प रही है। ऐसे में पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। हालत बदतर होते चले जा रहे हैं। आलम यह है कि स्थानीय लोग बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरस रहे हैं। दो वक्त की रोटी मिल पाना भी बड़ी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में आटे के लिए लूट मची हुई है। ऐसे में खान साहब का पैतरा जनता को बेहद रास आ रहा है। जेल भरो आंदोलन के तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं सड़क पर उतर आए हैं। इससे पहले पीटीआई मुखिया इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से गिरफ्तारियां देने और भय का माहौल खत्म करने की अपील की थी। पीटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि रोटी के लिए बाहर तड़पने से अच्छा है जेल जाकर आराम की रोटी खाई जाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का अमीर तबका डॉग और कैट फूड की डिमांड कर रहा है। भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी कैबिनेट मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती के आदेश दिए हैं, जिससे कि देश के आर्थिक हालत सुधर सके, लेकिन पाकिस्तान के रईसों के शौक खत्म नहीं हो रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के अमीर कुत्ते, बिल्ली, शेर, अजगर के लिए विदेशी खाना मंगा रहे हैं, जबकि वहां की आम जनता बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लग्जरी एक्सयूवी की अगली सीट पर शेर बैठा है। वहीं एक डाला के पिछले हिस्से में भी एक शेर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के रईसों ने कैसे शौक पाल रखे हैं। अगर वो अपने इन शौक में कटौती कर भूखे लोगों की मदद कर दे तो आवाम का भला होगा। ऐसी ही ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए पर्यावरण को।